नमस्कार, अमेचुआ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं। इस कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने पंजाब कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुरदासपुर के दीनानगर में पंजाब कांग्रेस के नेता रोष प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन स्टेज पर हो गई थप्पड़बाजी। पंजाब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी गुरदासपुर के दीनानगर में खुलकर सामने आई, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोष प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर बैठने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में जमकर हाथापाई हुई। स्टेज पर बैठने को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस के एक नेता ने दूसरे नेता को थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर धक्का मुक्की हुई। इन तस्वीरों को देखकर कुछ समझ में आया? नहीं आया तो आपको समझा देते हैं। ये तस्वीरें हैं पंजाब कांग्रेस के नेताओं की। गुरदासपुर के दीनानगर में पंजाब कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। पंजाब कांग्रेस अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रही है, लेकिन उसके अंदरूनी हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि वो पंजाब कांग्रेस की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, इसमें कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। ये किस तरह एक नेता दूसरे नेता को थप्पड़ जड़ रहा है। जो नेताजी थप्पड़ मार रहे हैं वो डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए सुखजिंदर रंधावा हैं, और जिनको उन्होंने थप्पड़ मारा वो कांग्रेस सेवा दल के जिला प्रधान आईएस गुलाटी हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता रोष प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे, लेकिन खुद ही आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में हाथापाई स्टेज पर बैठने को लेकर हुई थी। काफी देर तक दोनों नेताओं में धक्का मुक्की होती रही, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मामले को शांत करवाने की बजाय पानी की बोतलों को लूटते हुए दिखाई दिए। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पहले से है, लेकिन अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस गुटबाजी को और हवा दे रही है। वहीं आईएस गुलाटी ने अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की। ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਾ ਬੇਟੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈਐਸ ਗੁਲਾਟੀ ਸੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀ। यानी पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी का यह नया मामला नहीं है, इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी आपसी गुटबाजी की खबरें आती रहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब राज्यसभा सांसद बन चुके प्रताप सिंह बाजवा के बीच गुटबाजी काफी बड़ा मुद्दा बन गई थी। मामला हाईकमान तक पहुँच गया था, इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रताप सिंह बाजवा की जगह प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। प्रताप सिंह बाजवा को राज्यसभा भेजकर शांत किया गया। भले ही कांग्रेस ने बड़े नेताओं के आपसी टकराव को ठंडा कर दिया हो, लेकिन छोटे स्तर पर गुटबाजी अब भी नजर आ रही है। वहीं गुरदासपुर के दीनानगर में हुए हंगामे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि ऐसी तकरार अक्सर राजनीतिक दलों में होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक जुनून होता है। हंगामा निपटने के बाद पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता रोष प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्विनी सेखड़ी और जगमोहन कंग शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही पंजाब कांग्रेस के नेता पहले अपने ही घर की लड़ाई से कैसे निपटेंगे। गुरदासपुर से नितिन लूथरा की रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज।
तो कांग्रेस यहां पर रोष प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुई थी, लेकिन कार्यकर्ता आपस में ही रोष प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद थप्पड़ कांड हुआ। थप्पड़ कांड की गूंज कहां तक जाती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गुरविंदर सिंह बाली साहब, कांग्रेस नेता। गुरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैच वन न्यूज में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुरविंदर जी, ये जो कुछ भी हुआ गुरदासपुर के दीनानगर में, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, रिपोर्ट भी आपने सुनी होगी, क्या वजह इसकी आपको लगती है? रोष प्रदर्शन करने के लिए गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, के आपस में सामान्य से नहीं बिठा पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो मान्यवर कुछ भी कह सकते हैं, आप मीडिया के आजाद हैं, आप इसको किसी भी वे ले सकते हैं, मगर अमरिंदर सिंह साहब ने जो कहा है, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है, ये एक जोश होता है हर वर्कर के अंदर, हर लीडर के अंदर। जब प्रदेश अध्यक्ष किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां पर स्वाभाविक है कि ऐसी बात होना, और हर बंदे का और हर वर्कर का, हर लीडर का ये होता है कि मैं अपने लीडर से बांध के दर्शन करूं और अपने लीडर से बात करूं और अपनी मैं हाजिरी लगाऊं, ये स्वाभाविक बातें होती हैं। आप इसको ये कहें कि गुटबाजी है या गुटबाजी की ओर, एक तरफ आपने अभी ये कहा कि सभी लीडर एक मंच पे थे, माननीय प्रताप सिंह बाजवा जी, माननीय भट्टल जी या और लीडर सबान विवाह सेखड़ी जी, सब लोग वहां मंच पे थे, तो फिर आपको गुटबाजी कहां नजर आई हमारी? अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां गुलाटी जी के साथ ऐसा हुआ है, माननीय सुखविंदर रंधावा जी हमारे MLA हैं, उनकी भी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो इसमें कोई बात नहीं, आपस में भाई बैठ के इसको निपट लेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और वो रंधावा साहब हमारे MLA है और सीनियर नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेवा दल का तो बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस के अंदर, तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग नाराज हो जाएंगे तो हमारी पार्टी में तकलीफ हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा कि छोटी छोटी बातें अगर होंगी, आपस में नाराज होंगे तो तकलीफ हो जाएंगी। आपने कहा कि जोश में थे, इस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि जोश में थे तमाम नेता, हाजिरी लगाने के लिए सब हो रहा था, लेकिन हाजिरी लगाने का ये तरीका कैसे होता है कि आप दूसरे नेता को थप्पड़ से मारें? गिर गए थे बेचारे जमीन पर, वो काफी दुखी नजर आ रहे थे, आंखों में उनके आंसू थे। मैं ये कह देता हूं आपके टीवी चैनल के थ्रू, मैं ये कह देता हूं ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, फिर भी हमें संयम बरतना चाहिए। दोनों लीडर माने साहबान जो है जिनके साथ, आप ये देखिए स्टेज के ऊपर आप कितनी जगह होती है, हर जो वर्कर है, हर पार्टी का जो लीडर है वो ये चाहता है मैं अपने लीडर के पास पहुंचूं, उनका रोकना भी स्वाभाविक नहीं होता कि यार उनको रोक दें और ऊपर ना जाने दें, तो ये बातें हो जाती हैं अक्सर हर पार्टी के अंदर, ये बातें होती हैं। माननीय अमरिंदर सिंह जी ने भी ये कहा है। चलिए, यहां पर साफ साफ कहना है वाली साहब का कि जोश में थे, हाजिर लगानी थी, और कहीं ना कहीं कभी कभी उत्साह में चीजें हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू आए, जिस तरह से उन्होंने अपील की अपने नेता से, सर्वोच्च नेता से अपील की पंजाब के, कि इनको हटाया जाना चाहिए, अगर नहीं हटाएंगे तो कहीं ना कहीं सेवा दल जो है वो कांग्रेस की मुखालफत करने वाला है चुनाव में, क्या इसके बाद भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर मनाकर दोनों को एक बार चुपचाप बिठा दिया जाएगा? छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वाली साहब से लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे।